शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने आज मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और मुख्यमंत्री द्वारा हालिया प्रदान की गई 17 करोड़ के विकास निधि का सदुपयोग करने की मांग की। उपनेता विजय नाहटा ने यहां तुरभे डंपिंग ग्राउंड, दीघा, चिंचपाड़ा और कोपरखेरने की नागरी विकास और जन समस्याओं का मुद्दा उठाते हुए इनके तत्काल समाधान पर जोर दिया। इस दौरान वरिष्ठ नगर सेवक विजय चौगले, सुरेश कुलकर्णी और राम आशीष यादव खास तौर पर मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के विविध विकास जरूरतों को देखते हुए 2 दिनों में 17 करोड़ की निधि प्रदान की है। आज इसे लेकर शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और विकास निधि का जरूरतमंद ठिकानों पर सदुपयोग करने की मांग की। वरिष्ठ नगर सेवक विजय चौगले, सुरेश कुलकर्णी और राम आशीष यादव समेत कई लोक प्रतिनिधियों के साथ पहुंचे उपनेता विजय नाहटा ने आयुक्त के समक्ष तुरभे डंपिंग ग्राउंड, दीघा, चिंचपाड़ा और कोपरखेरने के विविध वार्डों की नागरिक समस्याओं का निवेदन दिलाते हुए उसके तत्काल समाधान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो विकास निधि दी है उसका सही जगह पर इस्तेमाल होना जरूरी है ताकि लोगों को उसका समय पर लाभ मिल सके। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांनी आता नगरसेवक पद गेल्यामुळे त्या भागातली काही कामाची शिल्लक होती त्याच्यासाठी 2 दिवसांमध्ये आमच्या विनंतीनुसार 17 कोटी रुपयाचा निधी दिलेला आहे। त्या निधीतून चांगल्यात चांगली कामं लवकरात लवकर व्हावी या अनुषंगाने आम्ही त्यांना भेटलो आणि त्याच्याबाबत चर्चा झाली, ती कामं होतील। दुसरे इतर जे आमचे कार्यकर्ते नगरसेवक आहेत यांची त्यांच्या त्यांच्या भागातली जी कामं होती, सार्वजनिक आरोग्यविषयी असेल, तुमचं ब्युटिफिकेशनच्या बाबतीमध्ये असतील, समाज मंदिर बांधण्याबाबत असेल, वेगवेगळ्या भागातली त्या कामाच्या संदर्भामध्ये जी चर्चा होती ती केली। काही प्रशासकीय कामं होती, काही लोकांच्या अडचणी होत्या। आमचे नगरसेवक यादव साहेबांच्या भागातली काही कामं होती, चौगुले साहेबांच्या भागातली काही कामं होती, डंपिंग ग्राउंडच्या अनुषंगाने कुलकर्णी साहेबांचे विषय होते, याच्यावर सविस्तर चर्चा झाली आणि आता मला असं वाटतं की कामं पटपट होत आहेत, त्याच्यात काही फारशी अडचण कुठल्या कामात येत नाही। इस अवसर पर अस्थायी शिक्षकों को कम वेतन दिए जाने के सवाल पर शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने कहा कि अस्थायी और स्थायी शिक्षकों के वेतन में बड़ा अंतर है जबकि सेवाएं एक जैसी हैं। उन्होंने चर्चा के हवाले से बताया कि मनपा आयुक्त ऐसे अस्थायी शिक्षकों को समान वेतन देने के लिए सकारात्मक है और इस पर शीघ्र निर्णय होने की उम्मीद है। काही कामं त्यांनी ऑलरेडी केली, त्याच्याबद्दल त्यांचे आम्ही आभार मानले आणि राहिलेली जी कामं आहेत त्याच्याबाबत प्रस्ताव करून त्यांच्या स्तरावर जे आहे तर ते करतील आणि जे शासन स्तरावरून मंजुरी पाहिजे ते प्रस्ताव ते शासनाकडे पाठवणार। त्यांनाही पटलं ते की शिक्षकांना इतका कमी पगार देणं आणि इतके फरक कायम शिक्षकांनी ठोक हे खूप चुकीचं आहे, कारण फक्त 20,000 रुपये पगार शिक्षकाला देणं आणि रेग्युलर शिक्षकाला 60-70 हजार रुपये पगार असणं ही खूप मोठी डिस्पॅरिटी आहे, तर त्याच्यामध्ये वाढ करण्याचं त्यांनी मान्य केलं, त्याचा आम्ही पाठपुरावा करतो। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।